नमस्कार दोस्तों, राधिका किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बनाएंगे हम सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी की इस तरह से बड़ी की सब्ज़ी बनाई जाए तो काफ़ी टेस्टी होती खाने में और खाने वाले बड़े शौक से खाते हैं। चलिए अभी सबसे पहले हम बड़ी को दिखाते दोस्तों। यहाँ पर 250 ग्राम हमने बड़ी लिया है। तो प्योर टमाटर की पेस्ट लिया दोस्तों, 3 टमाटर हमने मिक्सर में पीस लिया है। आप चाहे तो काट के भी बना सकते हैं छोटे छोटे पीस। यहाँ मैंने 2 प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है दोस्तों, करीब 1 कप हो गया, 1 कप कटोरी भर का हो गया ये। तो सबसे पहले हम पानी में सोयाबीन की बड़ी को डाल देंगे। इसे करीब 1 मिनट तक हम इसको पानी में रख देंगे, फिर इसे ये फूल जाएगी बहुत आसानी से। ये 1 मिनट में फूल जाती है। तो इसे हम छन्ने में छान लेंगे, पानी हम निकाल लेंगे। काफ़ी देर तक भिगाने की ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी में तुरंत डालो तो बड़ी भीग जाती है। तो इसे हमने छन्ने में छान लिया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया। 1 चम्मच तेल डालकर हम इसमें जीरा डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे और इसके ऊपर हम बड़ी को फ्राई कर लेंगे। बड़ी डाल देंगे, इसे हम करीब 5 या 6 मिनट तक धीमी आंच में भून लेंगे, क्योंकि फ्राई होने के बाद बड़ी बहुत टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है। इस तरह से बड़ी को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल कुछ नहीं डालेंगे, अभी इसको हम ऐसे फ्राई करके निकाल देंगे। फिर अब ये फ्राई हो चुकी है, ये भाई थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे इसे। 5-6 मिनट काफ़ी है फ्राई करने के लिए, क्योंकि बड़ी इस तरह से अगर भुनी जाए ना तो खाने में बड़ा स्वाद होता है, सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, खाने वाले भी बड़े शौक से खाते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, सभी इसको पसंद करते हैं। बड़ी को बहुत टेस्टी होती है। अब इसे हम निकाल देते हैं, फ्राई हो चुकी है ये। अब इसको सब्ज़ी बनाने के लिए हम तेल 2 चम्मच डालेंगे, फिर जीरा और लौंग डाल देंगे, खड़े मसाला। इसमें खुशबू आने लग गई है। अब जीरा फ्राई हो गया है, अब डाल देंगे उसको ऊपर प्याज लहसुन का पेस्ट जो बनाया है। 250 ग्राम बड़ी में 2 प्याज, 1 लहसुन का पुटली, 1 अदरक का टुकड़े, थोड़ा 1 लाल मिर्ची डाला मैंने पीसने के लिए, तो काफ़ी है इतना प्याज। और यहाँ सूखा मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी हल्दी पाउडर, ये जो सूखा मसाला होता है सब्ज़ी में डाली जाता है वही मसाला इसमें हम डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे, खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। मसाला एकदम अच्छा से फ्राई हो जाएगा ना, तभी टेस्टी बनती सब्ज़ी। बस इस तरह से आइए थोड़ा देर इसको पकने देंगे, पक गया उसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब प्यूरी डाल देते हैं टमाटर को, मैं इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे बढ़िया करके। तो जैसे मसाला अच्छा सा भुन जाएगा, पक जाएगा ना, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। बड़ी को ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म पानी में डाल दिया अच्छा से। अब ये मसाला भुन गया है, एकदम खुशबू आ गया। अब बड़ी डाल देते हैं। ये देखिए सोयाबीन की बड़ी इस तरह से बनाई जाता ना, काफ़ी टेस्टी होती है। अब इसको मिला लेंगे अच्छा से मसाला में, मिल जाएगा ना जब, तभी बढ़िया बनेंगी। बढ़िया बहुत स्वादिष्ट होती है। सब मसाला इस तरह से इसमें मिलाकर, ये देखिए आप पानी डाल देंगे, 1 गिलास पानी डाल देंगे। आप चाहे तो 1.5 गिलास भी डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत अनुसार। तो 1 गिलास डाला मैंने पानी, काफ़ी है, 1 बड़ा गिलास डाल दिया करीब। ये देखिए 250 ग्राम पानी काफ़ी होता है, 250 ग्राम से कम ही डाला वैसे मैंने इसमें। ये देखिए अब इसमें नमक डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि ग्रेवी अपना हिसाब से होता है ना, किसी को गाढ़ी पसंद है, किसी को थोड़ा सूखी, किसी को थोड़ा सा लटपटी। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह से ग्रेवी बनाएंगे तो खाने में टेस्टी होती सब्ज़ी। तो मसालेदार ऐसी टेस्टी सब्ज़ी ऐसी अच्छी लगती है। अब ढक्कन लगा देंगे, करीब 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया खुशबू आई है, एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनी है, लाजवाब टेस्टी सब्ज़ी। देखो दोस्तों इस तरह से बनाइए,
ये देखिए बहुत आसान है बनाना, और भिगाने की जरूरत नहीं। जब भी आप घर में बड़ी है तो जल्दी से क्या बनाओ, बड़ी को भिगाया 2 मिनट गर्म पानी में और चटपट सब्जी तैयार। अब एक प्लेटिंग में इसको डाल देंगे, प्लेटिंग कर लेंगे और खाने के लिए सर्व कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए बनके तैयार है, क्या खुशबू आई बड़ी, बहुत टेस्टी। ऊपर से थोड़ा पुदीना धनिया का पत्ता डालकर खाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से सब्जी बनके तैयार है दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूंगी।